ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप यू आर सेफ एंड स्टेइंग एट योर होम। फाइन, तो आज जो हम देखेंगे वो है बेसिक बॉल एनिमेशन इन माया। तो हमने मॉडलिंग कर लिया, हमने टेक्सचरिंग भी कर लिया, रेंडरिंग, लाइटिंग, रिगिंग के बेसिक पार्ट्स भी हमने कर लिए हैं। तो आज जो देखेंगे वो थोड़ा सा जाएंगे एनिमेशन की तरफ और देख लेंगे कि जो बेसिक बॉल एनिमेशन जो कि फाउंडेशन ऑफ ऑल एनिमेशन है वो हम आज देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये एक रेफरेंस दिया गया है जहाँ पे 1, 2, 3, 4 सारे जो बॉल के फ्रेम वाइज पोजिशन है वो दिए गए हैं। हमें इसी को ट्रेस करके बनाना है एक प्रॉपर बॉल एनिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिख रहा है मुझे फ्रेम्स, दैट इज 24। तो यहाँ पे 24 फ्रेम्स, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 1, 2, 24, 5। नाउ हमें क्लिक करना है यहाँ पे एनिमेशन प्रेफरेंसेस, क्लिक करके जाना है टाइम स्लाइडर पे जो कि बाय डिफॉल्ट रहेगा। तो इस पे आके हमें चेक कर लेना है यहाँ पे क्या है, प्लेबैक स्पीड, दैट इज प्ले एवरी फ्रेम, इसे करना है 24 FPS × 1। नाउ फर्स्ट फ्रेम 1 पे है। टू लॉक दिस की फ्रेम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो करना है वो सिलेक्ट एंड सेंटर हिस्ट्री एंड फ्रीज, इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि चैनल बॉक्स खोले और यहाँ पे देखा कि कितने सारे वैल्यूज ऐड हुए हैं, ये चाहिए मुझे 0 and 1 पे, तो यहाँ पे मुझे करना है फ्रीज। ये आ गया सारे 0 और स्केल ओनली 1, ठीक है। तो ये हो गया, अब मुझे करना है इसको यहाँ पे लॉक। टू लॉक दिस वन जस्ट प्रेस एस ऑन कीबोर्ड, तो ये की फ्रेम ऐड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। नाउ जस्ट गो टू फ्रेम सिक्स ओके। और यहाँ पे मैं कर लूंगा ऑटो की फ्रेम ऐड, अगर ये ऑप्शन ऑन रहा तो जब भी मैं कुछ इसको मूव करूँ कहीं पे भी ये अपने आप एक की फ्रेम ऐड कर देगा। और फ्रेम सिक्स पे ये आएगा इस जगह पे, मैं करता हूँ प्रेस 4 ऑन कीबोर्ड ताकि ये वाईफाई मोड पे आ जाए और इसको थोड़ा सा कर लेंगे स्क्वीज। तो ये थोड़ा सा स्क्वीज हो गया है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ बॉल एनिमेशन, स्ट्रेच एंड स्क्वाश, ठीक है। तो ये पहले इस पंप पे था और यहां से ये आया है ऐसा, ठीक है। तो हमने पहला अपना एनिमेशन कर लिया कंप्लीट, फाइन। Now I need to create some more, suppose on frame 5, ये कुछ इस तरह से होगा, stretch पे, press 5, okay, 4 again, and E, rotation, ठीक है, 5 मैंने कर लिया है, 4 पे ये पोजीशन जो है वो यहाँ पे होगा, बट ये उतना स्ट्रेच नहीं होगा जैसे दिख रहा है यहाँ पे, उतना स्ट्रेच है नहीं यहाँ पे, राउंड से ही आएगा वो। तो इसके लिए 1 पे जो की फ्रेम था, फ्रेम 1 पे जो पोजीशन है उसको मैं करता हूँ राइट क्लिक एंड कॉपी, और इसे करते हैं फ्रेम 4 पे पेस्ट। अब इसको खींच के यहां पे रख देंगे, ओके। और सेम वेज 3 पे, टू पे, ओके। तो ये हुआ 1, 2, 6 फ्रेम एनिमेशन। 6 पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये बॉल, ये जो मार्क है वो ऐसा है, फ्रेम 2 पे भी वैसा ही है, 3 पे वैसा है,
फोर पे भी वैसा है, फाइव पे ऐसा हो चुका है और सिक्स पे ऐसा. तो फाइव एंड सिक्स इज ओके, बट व्हाट अबाउट फोर, थ्री, टू, वन इज ओके. चलिए, टू पे थोड़ा सा रोटेशन हुआ है, थ्री पे भी हुआ है और फोर पे पूरा. फाइन, ओके. तो ये कुछ इस तरह से आया है, वन टू सिक्स. अब ये अगर मैं प्ले करूं यहां पे, तो ये कुछ फास्ट जा रहा है, लाइक दिस. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब मुझे करना है यहां पे क्लिक एनिमेशन प्रेफरेंसेस. इस पर क्लिक करने से बाद, इस पर क्लिक करने के बाद टाइम स्लाइडर बाय डिफॉल्ट ये रहेगा प्ले एवरी फ्रेम. अगर ये रहा तो एनिमेशन फास्ट जाएगा. इसको हम कर लेंगे 25 fps into 1. सेव. नाउ प्ले इट. तो ये आया रियल टाइम पे, ठीक है. ओके, तो यहां तक हमने कर लिया है, तो इससे आगे बढ़ते हैं. तो यहां तक हमने क्या देखा है, हाउ टू एड की फ्रेम, हाउ टू कॉपी अ फ्रेम, हाउ टू पेस्ट अ फ्रेम. नाउ अगर आपको डिलीट करना है कोई फ्रेम को, सपोज आई वॉन्ट डिलीट दिस फ्रेम 3, देन क्या करना होगा? दो तरीके हैं. फर्स्ट वन जो है, आपको इसी फ्रेम पे करना है राइट क्लिक एंड डिलीट. इससे क्या हुआ, वो फ्रेम जो है हट गया यहाँ से. या फिर ये जो दिख रहा है यहाँ पे चैनल बॉक्स में, इन सारे एट्रीब्यूट्स को, फील्ड्स को करना है सेलेक्ट विथ लेफ्ट माउस एंड देन राइट क्लिक ब्रेक कनेक्शन. ब्रेक कनेक्शन, इससे भी ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं डिलीट अ की फ्रेम. फाइन, नाउ हमें करना है 13 पे. 6 एंड 13 बोथ आर सेम. तो 6 को लीजिए फ्रेम 6 पे राइट क्लिक एंड कॉपी, 13 पे पेस्ट. नाउ मूव इट. फाइन, सेम कंट्रोल वी एंड ड्रैग इट. नेक्स्ट ऑन फ्रेम 23. ओके, तो ये कुछ इस तरह से आया है. और जो फ्रेम 1 है, कॉपी एंड पेस्ट ऑन 24. फाइन, तो अभी हम करेंगे 6 एंड 13 के इन बिटवीन पे काम. ऑन फ्रेम 9 यहां पे होगा और ये राउंड पे होगा, इनिशियल पोज पे होगा. सो फ्रेम 1 कॉपी एंड फ्रेम 9 पेस्ट. मूव इट, ड्रैग इट, मूव इट. फाइन, तो ये यहां पे आया है. नाउ फ्रेम 8 पे भी ये पे होगा, फ्रेम 10 पे बाद में आते हैं, 7 यहां पे है और इसका जो है रोटेशन होगा. ओके, नाउ 10. Like the same way, I iterate all those keyframes.
ओके, तो ये कुछ इस तरह से आया है एनिमेशन। अभी एक काम और करना है जो कि है ग्राफ एडिटर पे काम, ताकि ये जो एनिमेशन ये प्रॉपर अच्छे से फील हो कि ये बाउंस हो रहा है। ये अभी बहुत ही स्मूथ जा रहा है, लाइक बूम 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 बूम, बट आई वॉन्ट टू मेक सम रियलिस्टिक फील ऑन दिस एनिमेशन। फॉर दैट रीजन ओनली विंडोज एनिमेशन एडिटर एंड ग्राफिक एडिटर। तो यहाँ से हम इसको खोल लेंगे और अभी इस बॉल पे करेंगे सेलेक्ट। नाउ ट्रांसफर एक्स जो कि स्ट्रेट लाइन पे होगा, स्लैंटिंग वे पे होगा, स्ट्रेट नहीं, और वाई जो है वो कुछ ऐसा कर्व जैसा होगा, जैसे कि यहाँ पे कर्व दिया हुआ है। ट्रांसलेट एक्स पे हमने कुछ काम नहीं किया, जस्ट उस तरफ हमने बॉल को भेजा है, तो ये शो कर रहा है स्लैंटिंग वे पे। ठीक है, वाई जो है वो हमने अप एंड डाउन मैनेज किया है, तो इसलिए ये शो कर रहा है ऐसे कर्व पे। जी जी पे कुछ काम नहीं हुआ है, तो ये फ्लैट दिख रहा है। जो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट है वो है एक्स वैल्यू को स्लैंटिंग पे करना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसको जितना हो सके उतना प्रॉपर स्लैंटिंग पे करना है। उसके लिए सेलेक्ट एंड मेक इट लीनियर लाइक दिस। अगर हम देखें इस सिंगल पॉइंट को, तो यहाँ पे दो हैंडल बने हुए हैं, तो इस हैंडल से हम इसको ऊपर नीचे कर्व कर सकते हैं। ओके, तो बात यह है कि ये अगर ऐसा है, फ्लैट है, तो ये स्लो जाएगा, मीन्स एनिमेशन जो है वो स्लो होगा। और ये अगर ऐसे लिनियर पे होगा, इस एंगल पे होगा, तो ये यहाँ पे फास्ट जाएगा। ठीक है, सो हमें इस एनिमेशन को फास्ट करना है, हमें इस एनिमेशन को रखना है लिनियर पे। तुमने किया सेलेक्ट एंड लिनियर, नो मोर स्मूथनेस। ठीक है, एंड देन इस की फ्रेम को हम थोड़ा सा कर लेंगे एडजस्ट। ट्रांसलेट वाई इस पे काम करना है। इस पे जो है मेन चीज ये है कि जब भी ये बाउंस करे तो लगे कि हाँ ये बाउंस कर रहा है, ऐसा नहीं कि जस्ट गिर रहा है ऊपर जा रहा है, गिर रहा है ऊपर जा रहा है। इससे प्रॉपर बाउंस करना है, तो यहाँ पे स्मूथ नहीं हो सकता है। तो इससे अभी बाय डिफॉल्ट ये है स्ट्रेट वे, जो कि ये फ्लैट टेंजेंट है वो यूज किया गया है बाय डिफॉल्ट। इससे करना है लिनियर, ताकि वो फील हो कि हाँ बाउंस हो रहा है। तो अब देखते हैं, तो अभी अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, ये बाउंस हो रहा है, फिर स्पीड से उठ रहा है, यहाँ पे स्लो हो रहा है, और फिर स्पीड से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो रियल फील आ गया। इसके बाद ये जो कर्व है, इस लाइन को प्रॉपर कर्व करना है। दैट मीन्स
ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन थिंक इनोवेटिव, थिंक क्रिएटिव एंड बी पॉजिटिव एंड लाइक कमेंट एंड शेयर. इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक यू. बाय बाय.